विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सुसाइड किए जाने के मामले में सूबे के कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। आज सपा छात्र सभा की ओर से कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। देखिए पूरा वीडियो। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ों की बात करते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ों की आवाज उठाने की बात करते हैं, पिछड़ों के घरों में खाना खाते हैं, लेकिन आज आगरा विश्वविद्यालय आपने देखा होगा कि आगरा में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय कर्मचारी को सबसे पहले तो अटैच कराया अपने घर पर। ये क्या राइट बनता है कि विश्वविद्यालय कर्मचारी को आप अपने राइट वो करा रहे हैं, अटैच करा रहे हैं। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। हम सब आगरा विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, हम छात्र हैं, वहाँ से हमारे कर्मचारी से मारपीट की गई। आज भी उसने शिविर दिया गया कि उसने जहर खा लिया। आज उसके बच्चों का, उसका घर वाले को देखने वाला कौन है, इसका जवाब कौन देगा? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे तानाशाह अपनी शिक्षा के मंत्री पर, माननीय योगेंद्र उपाध्याय, उनके बच्चे ने जो अत्याचार किया है एक कर्मचारी के साथ, और आप कहीं ना कहीं कर्मचारियों की आवाज उठाने का काम करते हैं, आप कहते हैं ये देश सुरक्षित है, आपके मंत्री से ये एक कर्मचारी सुरक्षित नहीं तो अपना उत्तर प्रदेश क्या सुरक्षित होगा? हम ये मांग करते हैं पुलिस पे कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, वहां के सीसीटीवी कैमरे निकाले जाए उनके आवास के, वहां पता कराया जाए किस तरीके से बेनामी से पीटा गया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, और अगर जल्द से जल्द उस पर मुकदमा नहीं हुआ उनके बेटे पर, समाजवादी पार्टी लंबी लड़ाई नहीं करती।